विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में टिकट को लेकर पार्टियों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इंदौर की विधानसभा 3 में कांग्रेस की ओर से पिंटू जोशी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। एसीएन भारत के पॉलिटिकल एडिटर अरशद खान ने पिंटू जोशी से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, मैं उसे कड़ी चुनौती दूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। भाजपा ने 39 टिकटों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी टिकट की घोषणा नहीं की गई है। हम बात करें इंदौर शहर की, तो इंदौर की सभी विधानसभा सीटों पर दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। विधानसभा 3 से दावेदारी कर रहे हैं पिंटू जोशी जी, जिन्हें दीपक जोशी भी कहा जाता है। हम उनसे चर्चा करने आए हैं कि वे क्या दावा कर रहे हैं कि आखिर उन्हें विधानसभा 3 से कांग्रेस टिकट क्यों दे। पिंटू भाई, स्वागत है आपका एसीएन भारत में। आप तो एक महान नेता, ये कहा जाए इंदौर के जो महेश जोशी महान नेता कहलाए जाते थे, उनके सुपुत्र हैं, लेकिन काफी लेट हो गए, आपको टिकट अब मिलने जा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आपका टिकट लगभग फाइनल है। विधानसभा 3 वैसे शुरू से महेश जोशी जी का गढ़ रहा है, उसके बाद आपके बड़े भाई अश्विन जोशी जी जो कजिन ब्रदर है आपके, वो भी वहां से 3 मरतबा विधायक बने। अब 2 मरतबा से जब वो हार रहे हैं, तो शायद पार्टी ने ऐसा तय किया है कि टिकट तो दिया जाए जोशी परिवार से ही, लेकिन चेहरा बदल दिया जाए, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जब किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो पार्टी उस पर विश्वास जताती है, और विश्वास जताने के पीछे काफ़ी चीज़ों का मूल्यांकन होता है, क्षेत्र में सक्रियता, लोगों के मन में छवि, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना काम करा, वो वर्षों से जनता के बीच में बने रहे कि नहीं बने रहे जी। तो जब मैंने आवेदन किया तो आवेदन करने के पीछे मुझे कॉन्फिडेंस था मेरे कार्यकर्ता होने पर। क्षेत्र में जब मैं राजनीति नहीं भी करता था तो क्षेत्र का कार्यकर्ता तो था ही। वो 25 साल जिस क्षेत्र में मैंने मेरे मित्र बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, तो आज वो विधानसभा क्षेत्र एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार का हिस्सा है और मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। और जब जनता का कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, मुझे लगता नहीं कि और कोई इसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़े। विधानसभा सीट एक बड़ी क्रूशियल सीट मानी जाती है, वहाँ पर हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहता है। पहले कहा जाता था कि वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की वोटों की गिनती 30,000 के बाद शुरू होती है, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे, विधानसभा क्षेत्र बढ़ गया है। अब वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना अब कांग्रेस प्रत्याशी को करना पड़ता है। इसके लिए क्या तैयारी है आपकी, और आपने संगठन को क्या आश्वासन दिया है कि आप इस स्ट्रेटेजी पर चुनाव लड़कर पार्टी की झोली में ये गई हुई सीट लौटा देंगे? देखिए, इंदौर शहर है तो एक ही, पहले विधानसभा छोटी थी, स्वाभाविक है हार जीत छोटी मोटी होती थी, या लेकिन जब विधानसभा थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन आज भी इंदौर की सबसे छोटी सीट है। इस विधानसभा, ये विधानसभा जो है ये पूरे इंदौर ही नहीं, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश पर प्रभाव डालती है। विधानसभा कहने को तो 1,90,000 वोटरों की है, लेकिन यह 15 से 20 लाख लोग प्रतिदिन काम करने आते हैं, और यहाँ जो माहौल बनता है वो पूरे इंदौर की सभी विधानसभाओं में फैलता है, और उन विधानसभाओं से अन्य जिलों में भी फैलता है। तो ये सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। इस विधानसभा में अगर आपकी लगातार सक्रियता बनी रही, यहाँ के व्यापारियों के पक्ष में, यहाँ की जनता के पक्ष में, यहाँ के मजदूरों के पक्ष में, यहाँ के जो 3 नंबर एक गर्व करने वाला शहर है, अपने आप में गर्व करता है, वो सब बिंदु 3 नंबर में पाए जाते हैं, विधानसभा 3 में पाए जाते हैं। सबसे पुराने दफ्तर मान लो, सब प्रमुख चौराहे मान लो, सभी बड़े बाजार मान लो, 3 नंबर में आते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता है 2 मरतबा से कांग्रेस वहां पर हार रही है, और पहले उषा ठाकुर ने हराया अश्विन जोशी जी को, उसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने हार का तमगा अश्विन जोशी जी के सिर बांध दिया, आपको नहीं लगता है अपनी टफ हो गई सीट, क्योंकि इस दौरान भाजपा ने अपने कार्यकर्ता भी वहां पर बढ़ाए, मतदाता भी बढ़ाए, और अपनी पेट भी वहां पर मजबूत की है? देखिए, भाजपा तो शुरू से ही 3 नंबर में प्रेजेंस रही है भाजपा की। राजन धारकर साहब लड़े, सुमित्रा महाजन जी जिस विधानसभा की हो, तो भाजपा को नजरअंदाज करना इस विधानसभा में समझदारी नहीं होगी। लेकिन क्या कारण रहा कि उषा ठाकुर जी जब लड़ी और जीती तो दूसरी बार नहीं लड़ पाई जी। क्या कारण रहा कि आकाश विजयवर्गीय जी यहाँ से लड़े जीते तो अब दूसरी बार और किसी विधानसभा से संभावनाएं बन रही है? बेसिकली यहाँ का जो तासीर है वो बाहरी प्रत्याशी समझ ही नहीं सकता है जी। जो जो दूसरी विधानसभा से आएगा वो इस विधानसभा में चुनाव जीतेगा भी, जब तक वो यहाँ के लोगों का मानस नहीं समझेगा, कैरेक्टर नहीं समझेगा, वो रिपीट हो ही नहीं सकता है। इकलौता हमारा परिवार ही है जो यहाँ से लगातार रिपीट होते आया है। उसके पीछे कारण है कि एक तो यहाँ का स्थानीय होना, दूसरा
यहाँ के लोगों की मन की बात समझना, यहाँ के लोगों की चिंताएं, यहाँ के लोगों की समस्याएं, यहाँ के लोगों की आगे क्या संभावना है, क्या इच्छा है, ये सब समझना, ये तभी हो पाता है जब आप लोगों के बीच बने रहो और इस क्षेत्र को अपना मानो। तो इस बार जो कहते हैं कि विधानसभा टफ होती, तो आप बताइए लोकसभा सीट विधानसभा में हम सबसे कम वोट से हारते हैं, महापौर चुनाव में बिल्कुल नेगेटिव नहीं रही, बहुत कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली, और ये विधानसभा बेसिकली व्यक्ति पे जाती है, व्यक्ति पे जाती है, कैसा व्यक्ति है, क्या कैंडिडेट है। चूंकि मेरे परिवार ने यहाँ पर कभी लीडर के रूप में नहीं अभी तो पारिवारिक सदस्य के रूप में काम करा है, इस कारण से लोग हमें अपना मानते हैं। और जब ये स्थिति बनती है तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ आप किसी भी पार्टी के कोर वोट शिफ्ट कराने की स्थिति में रहते हो। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ इस विधानसभा में, पहले आपके भाई वहाँ से विधायक हुआ करते थे, जब भी वहाँ पर इतना विकास कार्य नहीं हुआ, और पिछले 10 साल से भाजपा के वहाँ पर प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं, लेकिन पुरानी विधानसभा ही है। आप चाहे वो जूनी इंदौर देख लें, कटकटपुरा देख लें, लोहा मंडी देख लें, जहाँ पर भी जाते हैं आप, वहाँ पर जिस तरह से शहर ने विकास किया है उस तरह का विकास विधानसभा 3 में नजर नहीं आता। आज भी वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं, आज भी वहाँ के लोग अच्छी सड़कों के लिए तरसते हैं, आज भी वहाँ के लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। तो इन समस्याओं को आप क्या हल कर पाएंगे यदि आपको वहाँ की जनता चुन ले तो? देखिए, पुराना दिल्ली और पुराना बम्बई, ये इसके एक जीवंत उदाहरण है कि जब आपके पास विकास करने की संभावना स्कोप की कमी रहती, चूँकि पुराना शहर बसा हुआ है, उतनी ही बड़ी सड़कें हैं जितनी पहले थी, वही इलाके हैं बाजार के इलाके, छोटी छोटी गलियों वाले जो पहले थे, इसके लिए एक विशेष प्लान बनाना चाहिए। जब पुरानी दिल्ली और पुराने बम्बई को बिना थोड़े सुविधाजनक बना दिया गया, तो क्यों ना पुराने इंदौर को भी ऐसे ही बना दिया जाए। जहाँ तक बात है पानी की, तो शर्म की बात है कि नर्मदा का चौथा चरण आने बाद जब बोला गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि आपकी दूसरी मंजिल पर भी पानी ऑटोमेटिक आया करेगा, वहाँ हमारा विधानसभा 3 का अधिकांश बस्तियाँ खासकर प्यासी है, ड्रेनेज की लाइन 60-60 साल पुरानी, 50-50 साल पुरानी है, एक ऐसा मोहल्ला विधानसभा 3 में नहीं है जहाँ पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी नहीं मिल रहा हो। ट्रैफिक तो इतनी बुरी हालत है कि हम 10 मिनट का काम हमको 1 घंटा लगता है। ये सब चीज़ों के लिए अगर आपका विजन ही नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर आप कभी सुधार करना ही नहीं चाहते हो, और इन बेसिक इश्यूज पे आप इलेक्शन नहीं लड़ते हो, तो आप कभी इलेक्शन इन इश्यूज पे सर्विस भी नहीं दे पाओगे। आपको क्या लगता है आपकी बार भाजपा क्या मुद्दा लाने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कमलनाथ द्वारा जो एक वचन पत्र जारी किया गया था उसके ऊपर आगे निकल गए, वो उन्होंने तो महिलाओं के खाते में पैसे जमा करना शुरू कर दिए और तमाम तरह की सुविधा देने वाले हैं, अगले महीने का बिजली का बिल भी माफ होने वाला है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, ये मैं बोलता हूँ, लाडली बहना तो 18 साल से थी, बिजली के बिल 18 साल से बढ़ रहे थे, लोगों में महंगाई का जो भाव था वो 18 साल से था। चुनाव के 1-1.5 महीने पहले कोई भी अगर आप चूरन लॉलीपॉप बांटते हैं तो जनता समझदार है, वो जानती है कि आपने किस विषय को लेकर, किस विचार को लेकर ये लालच दिया है। मेरा कहना है अगर लाडली बहना है तो पूरे 5 साल के लिए हो, बिजली के बिल अगर कम आए तो पूरे 5 साल कम आए, लोगों को रोजगार मिले तो पूरे 5 साल मिले, और सबसे बड़ी बात है कि आप 4 साल 4 महीने बाद आप क्या करोगे, आप लाडली बहन पेंशन बंद कर दोगे, आप बिजली के बिल वापस बढ़ा के भेज दोगे, क्योंकि बिजली के बिल खत्म नहीं हुए हैं, स्थगित हुए हैं, दैट मीन्स आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में या केंद्र में सरकार में आती है तो 3,000 रुपये तो गैस की टंकी होगी, कम से कम 500 रुपये डीजल पेट्रोल आने वाले समय में होने वाला है, महंगाई चरम छुएगी, चूंकि ये कभी गरीबों की पार्टी, आम आदमी की पार्टी रही नहीं, ये उद्योगपति और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी रहे, तो इनका कभी विचार गरीबों के लिए रहा ही नहीं है। महंगाई इतने आसमान छुरी है, 4.5 साल नहीं दिखा शिवराज जी को, 18 साल नहीं दिखा, बेसिकली शिवराज चौहान जी के चेहरे से जनता बोर हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल की सत्ता से जनता बोर हो चुकी है, और गले गले तक उनसे परेशान हो चुकी है। अब जनता को आप सोने से भी नहला दो तो जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इनको रिपीट नहीं होने देना है, और कमलनाथ जी एक ताज़ा हवा के झोंके के रूप में बीजेपी जनता के बीच में आ रहे हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। चूंकि 15 महीने की सरकार ने परफॉर्म करके बताया कि इंदौर गुंडा मुक्त हो सकता है, मध्य प्रदेश मिलावट मुक्त हो सकता है, मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ सकती है,
ये कब आती है? जब आपके पास में विश्वसनीय चेहरा हो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को आपके आकर्षित करे। ये वो चेहरा होता है जिसके मन में विचार हो कि यार गरीबों के यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हमारी जब सरकार थी तो 100 रुपये से ज़्यादा का बिजली का बिल किसी भी गरीब परिवार में नहीं आ रहा था। क्या कारण रहा कि 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है? चुनाव के समय में शिवराज चौहान जी या उनकी सरकार जो भी लालच दे, जनता समझदार है, जनता जानती है और इस बार उनके बहकावे में नहीं आएगी। आपके टिकट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दो भाइयों के बीच रस्साकशी चल रही है कि अश्विन जोशी जी भी मांग रहे हैं टिकट विधानसभा 3 से, उनका दावा रहता है कि वे 3 मरतबा के विधायक रहे हैं वहाँ से, हालांकि उसके पहले आपके पिताजी भी वहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे वहाँ से विधानसभा 3, उन्हीं की कही जाती थी किसी जमाने में। ये कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी और क्या लगता है यदि खुदा ना खास्ता आपका टिकट नहीं हुआ और किसी थर्ड पर्सन का हो गया, दोनों ही भाइयों का टिकट नहीं हुआ, ऐसी सूरत में विधानसभा 3 की और आपकी भूमिका क्या है? देखिए, जब पिछली बार टिकट वितरण का विषय हुआ तो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं, मेरे परिवार में भी आपस में बात हुई और ये तय किया गया कि 2018 का चुनाव अश्विन भाई साहब इलेक्शन लड़ेंगे और 2023 के इलेक्शन में मुझे प्राथमिकता दी जाएगी। और जब मुझे विश्वास मिला तो चुनाव हारने बाद भी अश्विन जोशी जी के मैं क्षेत्र में बना रहा। और सर्वे कमिटमेंट पे नहीं होता, सर्वे परफॉर्मेंस पे होता है। तो सर्वे में 5 साल लगातार लोगों के बीच में, तो सर्वे मेरे पक्ष में आया, नेतागण मेरे पक्ष में आए, कार्यकर्ता मेरे पक्ष में आए, तो मैंने तो नेताओं से सिर्फ ये बात बोली कि जो कमिटमेंट और जो वादा हमारा आपस में हुआ था वो निभाया जाए कि 2023 में मुझे चुनाव लड़वाया जाए। और उसके लिए मैंने परिश्रम करा है, ऐसा नहीं किसी कमिटमेंट पे ही मैं अपना टिकट मांग रहा हूँ। मैं यहाँ बना रहा लोगों के बीच में, लड़ता रहा, विपक्ष में लाठी डंडे खाए, जेल गए और जनता की आवाज़ उठाते रहे, इसलिए अपने आप को मैं इस विधानसभा के लिए लायक मानता हूँ। और मुझे विश्वास है मेरी पार्टी पे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि तुमने 5 साल लगातार लगने के कारण, तुम्हारे 5 साल लगातार परिश्रम होने के कारण तुम्हारे नज़दीक भी कोई प्रत्याशी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे जो आया है ये मेरी मेहनत के बल पर, लोगों के प्यार के बल पर आया है। क्या लगता है आपका अकेले का नाम वहाँ पर जाने वाला है? जो कमेटी कांग्रेस की टिकट तय करने वाली है इसमें सिर्फ आपका अकेले का नाम जाने वाला है, क्योंकि दो नाम और साथ चल रहे थे जी। अश्विन जोशी जी का और साथ ही अरविंद बागड़ी जी का जी। ये नया नाम अरविंद बागड़ी जी का भी आया क्योंकि उन्हें शहर अध्यक्ष बनाकर फिर हटा दिया गया। तो क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि पार्टी उन्हें उपकृत करने के लिए या आप दोनों भाइयों के बीच में जो कंट्रोवर्सी उसको सुलझाने के लिए अपनी विधानसभा खराब नहीं करेगी? देखिए, पार्टी ये देखती है कि चुनाव जीत कौन सकता है, ये नहीं कि किसी की न्यूसेंस है तो उससे कारण पार्टी दबाव में है। पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, वो है इलेक्शन कौन जीत सकता है और कौन कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट को जुड़वा सकता है। पैनल में कई नाम जुड़ सकते हैं, 3 ही क्यों, 4, 5, 6 क्यों नहीं। पैनल में नाम जाने का, टिकट मांगने का अधिकार कांग्रेस पार्टी में सबको है और होना भी चाहिए, लेकिन टिकट मिलेगा एक को और मुझे कॉन्फिडेंस है कि टिकट मुझे मिलेगा। मेरा आपसे अंतिम सवाल के आकाश विजयवर्ग यहाँ से विधायक हैं जी। और जैसा आप बता रहे हो और शहर में अफवाहें भी हैं कि आकाश विजयवर्गीय विधानसभा 3 छोड़कर कोई और विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं ताकि वो कहीं और से चुनाव लड़ सकें। ऐसे में बीजेपी से कोई बड़ा नेता यहाँ पर आता है या उनके पिताजी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय या रमेश मेंदोला जैसे बड़े कद्दावर नेता भाजपा के, अगर यहाँ से विधानसभा 3 से चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि अगर हम आकाश विजयवर्गीय की बात करें तो एक स्टैंडिंग विधायक है, वर्तमान में विधायक है, उनके काम और उनके कार्यकर्ता, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीता लिया, यहाँ से नए चेहरे थे, युवा थे, विधानसभा के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सीट निकाल ली थी। अब उनके पास अनुभव भी है, साथ ही मैंने दो नाम और लिए हैं, इनमें से यदि आपके सामने कोई प्रत्याशी आता है तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? देखिए, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर देखे नहीं जाते, यही मेरा जवाब है जी। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे पिंटू जोशी जी, जो इस वक्त विधानसभा 3 की टिकट की दौड़ में शामिल है और उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस उन पर भरोसा करेगी, विधानसभा 3 से उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि पिंटू जोशी जो युवा है उन्हें कांग्रेस यदि टिकट देती है तो विधानसभा 3 का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ अरशद खान, एशियन भारत, इंदौर।